हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने UPPSC 2009, MPPSC 2009 और जो स्टेट पीसेस और भी जो आने वाले हैं SSC के, रेलवेज के लिए और जो बैंक्स के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, उसकी तैयारी करवाने के लिए एक नई सीरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इसमें हम शुरू करेंगे अभी भूगोल, जिसका पार्ट वन मैं आज कराऊँगी। इसकी खास बात इस सीरीज़ की मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले हैं, प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं और 30 क्वेश्चन हम एक वीडियो में करेंगे। ऐसे ही 30-30 क्वेश्चनों के और वीडियोस साइंस पे, हिस्ट्री पे, भूगोल पे, पॉलिटी पे और अदर जो विविध होते हैं जिसमें खेल कूद और ये सब चीज़ें आती हैं, वो साथ में हम लोग लेके चलेंगे। और साथ में मैं इसकी PDF भी आपको दूंगी, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। आपको जो भी चीज़ इसमें नहीं पसंद आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ की तरफ, वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में मैं ये क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और मेंस की जैसी सीरीज़ चल रही है हमारी, वो वैसे ही चलती रहेगी। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो इसका आंसर है गांधी सागर बांध। ये क्वेश्चन हमारा MPPSC 2006 में आ चुका है प्री के पेपर में। मैं इसमें चंबल नदी के बारे में और भी आप लोगों को जानकारी दे दूँ। चंबल नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, आप लोगों को यह पता ही होगा, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका मध्य प्रदेश है और यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य है, तो इन राज्यों की सीमा रेखा से होकर ये चंबल नदी गुजरती है। तो चंबल नदी पर और भी इम्पॉर्टेंट बांध है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन सा इम्पॉर्टेंट बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं सीरियसली, तो आप लोगों को बिना गूगल सर्च किए इसका आंसर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक 1% क्षेत्र है कहाँ पर है इनमें से? तो ये मिज़ोरम में है। और आप ये मुझे बताइएगा कि कितने परसेंट इंडिया में वन क्षेत्र होना चाहिए, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए इसका आंसर मैं ही आपको दे देती हूँ। इसका आंसर है 33% वन क्षेत्र इंडिया में होना चाहिए, जिससे अभी हमारे इंडिया में बहुत कम वन क्षेत्र है। ऑलमोस्ट 22% हमारे इंडिया में वन क्षेत्र है अभी तक। कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो कील नहर है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों को जोड़ती है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील के बारे में एक दो फैक्ट और बता देती हूँ। मानसरोवर झील से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। जैसे कि इंडिया में एक सतलुज नदी जो मानसरोवर झील के राक्षस ताल से निकलती है। सतलुज नदी के स्थानीय नाम जो है वो लोकचैन खम्बाब है। ये बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सतलुज नदी को स्थानीय लोग क्या कहते हैं, तो लोकचैन खम्बाब कहते हैं। एक और नदी मानसरोवर झील से निकलती है जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम आप मुझे बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी कहाँ की नदी है? उत्तराखंड की नदी है। और एक चीज़ और, भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। भागीरथी प्लस उसमें अलकनंदा अगर मिल जाती है देवप्रयाग में, तो वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, वहाँ से उसे गंगा नदी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये IAS 2009 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, मेथोन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? अब इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक आपको बांध आता हो कि किस नदी पर है, तो वो आपको आ जाएगा। तिलैया बांध बहुत ही कॉमन बांध है, तो ये बराकर नदी पर बनाया गया है, तो बाकी दोनों बांध भी उसी नदी पर बनाए गए होंगे, तो इसका आंसर आप बराकर नदी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बिहार PSC में 2001 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं,
चलिए देखिए, वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपसे पहले पूछा था, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका मैंने पहले ही आपको एक क्वेश्चन पूछा था, मानसरोवर झील में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है। तो भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है। तो किन्नौर शहर को हिमालय का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ स्पेसिफिक है हिमालय, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है, तो कसौनी शहर को हिमालय का भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कोयला किस प्रकार के विद्युत को कहा जाता है। जैसे कि तापीय विद्युत हो गया, हमारा नाभिकीय विद्युत हो गई, काफ़ी विद्युत के कई टाइप हैं जिससे हमें विद्युत प्राप्त होती है, तो जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट, लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं। लिक्विड गोल्ड खनिज तेल को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन है, तापीय विद्युत से भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा मृदा वर्ग, यहाँ पर लिखा हुआ है मृदा का वर्ग है, इसमें क नहीं आएगा, सबसे बड़ा मृदा वर्ग है कछारी मृदा, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर उत्तर भारत के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ हिमालय है, तो हिमालय से नीचे जो तराई के बाद वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी क्या है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन, इसकी मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन। 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो ये जैसे भूमध्य रेखा हो गई हमारी 0 डिग्री पे, तो 49 यहाँ पर ऊपर आएगा, तो 49 जो रेखा है वो कनाडा और नीचे यूएसए, कनाडा और यूएसए के बीच की सीमा रेखा 49 डिग्री अक्षांश रेखा बनाती है। तो और ये उत्तरी अमेरिका में आता है, यूएसए और कनाडा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद चल रहा है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। यूएसए और यहाँ पर जो मिशिगन झील है इसके दक्षिण में, इस एरिया में कौन सा क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये है शिकागो गैरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास किससे संबंधित है। तो ये छोटा नागपुर आप लोगों को पता है किस लिए फेमस है, ये छोटा नागपुर कोयले के खोज के लिए फेमस है, यहाँ कोयले की बहुत मोटी परत पाई गई है, और ये क्वेश्चन आ चुका है UPSC मेंस 2011 में, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पणजी किस नदी के किनारे है। तो पणजी मांडवी नदी के किनारे है, पणजी गोवा की राजधानी है, आप लोगों को पता ही होगा, तो ये मांडवी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन रहते हैं, मतलब कहाँ रहते हैं। तो ये कालाहारी रेगिस्तान में रहते हैं। ये कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका में पड़ता है, नॉर्थ अफ्रीका के करीब। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान प्रेयरीज कहलाते हैं, और भी घास के मैदान हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ के नाम आपको बता देती हूँ, जैसे कि यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं उन्हें, ऑस्ट्रेलिया में डाउंस कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, और साउथ अफ्रीका में उसे वेल्ड कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, ये मैंने कुछ आपको बताए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मतलब कि उत्तर प्रदेश होल मान लो ये है, तो उत्तरी उत्तर प्रदेश ये वाला एरिया जो हिमालय के करीब है, में दलदली एवं वन आच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे तराई के नाम से जाना जाता है। तराई मानो अगर नदी यहाँ से आ रही है, बीच में उसे रुकावट या मिट्टी टाइप में कुछ मिल गया, दलदली, तो वहाँ दलदल बन जाता है, जहाँ दलदल बनेगा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे, जिसे मैग्रोव वन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें तराई प्रदेश कहते हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो उस समय शाम के 6:30 बजे होंगे,
क्योंकि ग्रीनविच से हमारे जो इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। ये ग्रीनविच है और यहाँ पर हमारी इंडिया सिचुएटेड है, तो ग्रीनविच के जो टाइम है यहाँ और यहाँ पर जब टाइम आते आते तो बीच का जो गैप है वो 5.5 घंटे का है। तो अगर वहाँ 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे, तो अगर वहाँ 1 बजा होगा तो हमारे यहाँ 6:30 बजे होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे कितना भी टाइम बोला हो, अगर इंडिया के कॉन्टेस्ट में बोला हो तो आप लोगों को 5.5 घंटे आगे कर लेना है हमेशा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देश की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी है, तो 121.02 करोड़ जनसंख्या भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा सा हटके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस लूनर नाम से। इन दोनों के बीच की जो अंतरिक्ष होता है, जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है और नीचे ये पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र अंतरिक्ष होगा उसे हम सिस लूनर के नाम से जानते हैं। सौर परिवार का कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है, तो जो सबसे दूर होगा ग्रह वही सबसे ठंडा होगा, तो अगर आपको दूर पता है तो नेपच्यून सबसे दूर ग्रह है तो वो सबसे ठंडा है। इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे पास जो सूर्य के होगा वही सबसे गर्म ग्रह होगा, तो बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे पास है वो सबसे गर्म ग्रह है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, तो हरे रंग का मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है, ये जैसे हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे भूपट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मेंटल होता है और नेक्स्ट जो सबसे नीचे होता है उसे क्रोड बोलते हैं। तो जो हमारा सबसे बीच में मेंटल का पार्ट है वो 68% पाया जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है, मींस ये हमारी धरातल है पृथ्वी की, अगर कोई इंसान नीचे जाता है इसके यहाँ पर सेंटर की तरफ, तो प्रत्येक 32 किलोमीटर में, मान लीजिए यहाँ 32 किलोमीटर है, यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो ये बहुत ही इजी है, झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयले की बहुत मोटी परत पाई गई है, तो यहाँ पर ये राज्य भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करते हैं। तो यही ख़त्म होते हैं आज हमारे सुपर 30 में, और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है इसके बारे में भी बताइए, और इसका लिंक मैं अपने फेसबुक पेज पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।